नमस्कार आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, मुंबई विजिट पे सेहत और ज़िंदगी की पूरी टीम पहुंची हुई है। जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं वो है मुंबई का गोबंडी, और हमारे साथ हमारी एक पेशेंट दर्शक मौजूद हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूँ रशीदा जी की। चलिए मिलकर उनसे खास बातचीत करते हैं, जानते हैं उनकी सेहत का हाल। आदाब मैम, स्वागत है आपका। आपकी उम्र कितनी है, आपके घर में कौन कौन है? मेरी उम्र 45 साल है। 8 लोग हम लोग रहते घर में। ठीक है, आप घर का ही काम करती हैं? हाँ, घर का ही काम। हाँ, घर का काम। ठीक है, हकीम साहब से आप कैसे जुड़ी? टीवी में देख के, मैं उनका सीरियल बहुत देखती हूँ, जी सलाम पर। जी जी, बहुत अच्छे से देखती हूँ। घर पर बच्चे लोग भी देखते हैं, मेरे घर में सभी लोग देखते हैं, और उनको देख के, सीरियल देख के ना, तभी वो दवा हम लोग मंगवाए, उनके दवाखाने से पहुँचे हम लोग, पूछते पूछते गए वहाँ तक हम लोग। जी हाँ, तो कैसा लगता है हकीम साहब का प्रोग्राम आपको? हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद करते हैं उनकी बातचीत। हाँ, बातचीत तो बहुत पसंद है उनकी। मैं तो बच्चे लोग कॉलेज चले जाते हैं, दिन भर देखती हूँ लगा के। अच्छा। हाँ, पुराना सीरियल भी उनका देखती हूँ। हाँ, और हकीम साहब जो नुस्खे बताते हैं, जो दवाइयां बताते हैं, उनका बताया हुआ जो नुस्खा है, पेट का, गैस का, वजन कम करने का, धनिया सब बताते थे ना, मेथी सब मैं बनाई, घर में बनाई, अक्खा खरीद के लाके। अच्छा। मेरा भी फायदा हुआ, वजन भी कम हुआ, और दूसरे लोग का भी फायदा हुआ। जी, जो औरत को बताई थी, अभी वो गांव में रहते हैं हम लोग, 2 साल हो गए बताए, अपने घर से बना के दी थी पाउडर पहली बार। अच्छा। जब उन लोग को दिखाई डब्बे में, तो खाने में भी अच्छा लगा उन लोग को। अच्छा। हाँ, काला नमक डाली थी ना उसमें, बहुत अच्छा लगा, पसंद आया उन लोग को। हाँ, पसंद तो आया, और उन्हें फायदा जब हुआ, फायदा हुआ, मेरे से बताई कि बहुत अच्छा है। हाँ, तो आपको तुम कैसे बताए? तो मैं बोली मैं टीवी में देख के बनाई हुई है सब नुस्खा, जितना जितना ग्राम बताते थे उतना ग्राम वजन बराबर ली वजन। जी जी। हाँ, जैसे हकीम साहब को बड़ी खुशी होती है जब आप लोग उन्हें हाँ, बोलते हैं कि आपको हाँ, फायदा हो रहा है। ऐसे ही आपने जैसे और लोगों को नुस्खे बताए, उन्हें फायदा मिला, उन्होंने आपको बताया, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जब उन लोग बताए ना कि फायदा हुआ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आपने घर में कौन कौन से नुस्खे हकीम साहब के बनाए? अभी तो नुस्खा मैं बंद कर दी, वजन मेरा बहुत वजन था मेरा। हाँ, कम हाँ, हो गया अब। अच्छा। हाँ, मेरा पहले बहुत वजन था। आपने वजन के लिए कौन सा नुस्खा अपनाया था? यही अक्खी धनिया लाई थी। हाँ, सौंफ। हाँ, जवाइन, और यही अब 2-3 चीज और थी उसमें। हाँ, अभी 1 साल हो गया बना के, खत्म हो गया, थोड़ा दिमाग से निकल गया है। मैं बरनी भर के रखती थी अक्खी धनिया का, वो सब बना के। जी, तो हकीम साहब को सुन के ही नुस्खे अपनाए हैं, या पहले से भी अपनाती नहीं, थी? उनका सुन के मैं अपनाई हूँ, दूसरे का सुना नहीं। अच्छा। मैं सुलेमान हकीम का सुन के। अच्छा। ना दूसरा किसी का सुन के नहीं बनाई हूँ मैं। जी। उनका सुन के बनाई हूँ। हकीम साहब की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? उनका सब जितना बताया हो नुस्खा है। हाँ। सब अच्छा लगता है। हाँ, और मैं कलमी सोडा भी उनका मंगाया हुआ पेट के लिए, वो भी मंगवाई थी, जड़ी बूटी की दुकान पे गई, उसको लेके आई, उसको मिक्सर में पीसी, पानी में बोले थे मिला के पीने के लिए, उसको भी पी थी। हाँ, बहुत फायदा हुआ। तो आपने तो बहुत सारे नुस्खे पहले नहीं मालूम। हाँ, सब दिमाग में है। अच्छा। हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है उनकी हर एक दवा, यहाँ तक कि ये सिया गोद मंगा रहे थे ना, जब बताने लगे कि सबसे अच्छा है नस के लिए, तो इसको भी मैं खरीद के मंगवाई। जी, इसके अलावा भी कोई दवाई आपने खाई है? हाँ, सबके दवा का नाम एस्केर। हाँ, हाँ। जी जी जी, वो कमर की नस के लिए मंगवाई थी। फायदा मैं है? खुद गई थी लाने। अच्छा। उनके दवा खाने से। हाँ। हाँ। अपनी परेशानी के लिए आपने एस्केर का इस्तेमाल किया। हाँ। कितना फायदा लगा? फायदा तो पहले बहुत हुआ था फायदा। हाँ। कमर की नस जो मुड़ी हुई थी ना, उसमें मैं थोड़ा सीधा चलने लगी थी। कितने वक्त तक खाया? 6 महीना। हाँ, लगातार खाई, यानी इत्मीनान रखा आपने। हाँ, मैं भरोसा के साथ खाई। अच्छा। मुझे भरोसा था कि ये दवा फायदा करेगी, उनकी दवा, इतने लोग उनकी दवा खाते हैं, सबको फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आस पड़ोस में भी बताती हैं लोगों को कि हकीम सुलेमान खान साहब के नुस्खे अपना? अपनी बहन लोगों को बताया कि ये सीरियल तुम लोग देखो, दवा हुआ उनका दवा बताया हुआ करो। जी। हाँ, तो लोग आप पे भरोसा कैसे कर लेते हैं? अब वो दवा बताई ना, गैस की दवा, पेट की दवा, वजन की दवा बहन लोगों को, तो अब भरोसा करेंगे ना। मेरी बाजू वाली थी, हम लोग दूसरी जगह रहते थे, वो भी भरोसा करी, उसको बताई। अब ये घर में मसाला सब रहता है ना, सबको याद हो जाता है, एक बार बता दो। जी जी, सब घर में हम लोग बना लेते हैं।
राशिदा जी, बहुत सारे प्रोग्राम और भी आते हैं टीवी चैनल पे, कोई कुछ बताता लेकिन है, कोई दवा कुछ के लिए बताता मैं है। सबसे ज्यादा मैं सुलेमान हकीम का पसंद करती हूँ और उन पे भरोसा करती हूँ कि ये दवा बहुत फायदा की है। आप ये बताइए कि जो महिलाएं आपको सुन रही हैं, जो बीमारियों से परेशान हैं, बहुत सारे उपचार करा चुकी हैं लेकिन अभी तक आराम नहीं है, अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, नुस्खे नहीं अपनाए हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? उन्हें मैं सबको बोलूंगी कि सुलेमान हकीम का दवा करो, अपने घर में खुद बना के खा सकते हो। हाँ, तो ये आराम है कि घर में ही बन जाती है? घर में बन जाती है, बहुत आराम है जी। हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, कोई बात आप अपनी रखना चाहती हैं या फिर उन्हें कोई मैसेज देना चाहती हैं, संदेश देना चाहती हैं? मेरा यही एक तकलीफ है, मेरा आँख का नस, मुंह का नस बहुत हिलता है। मैं सीटी स्कैन करवाई, मतलब सब कुछ हो गया, एमआरआई करवाई, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। चलिए, ये बात आप पहुंचाना चाहती हैं, और कुछ कहेंगी उनके लिए? और एक ही साइड राइट में, एक आंख में नहीं है, राइट वाली आंख में। मैम, घर पे आप कोई काम वाम आप खुद करती हैं या नहीं, फिर अभी कुछ कोई नहीं काम करती नहीं करती हूँ। आप? ठीक है, सारे परहेज करती हैं। खाने वाने में खाने में तो सब खाती हैं, सब खाती, कोई परहेज नहीं नहीं करती? कोई परहेज खट्टी नहीं, चीज भी नहीं छोड़ती? नहीं, खट्टी चीज तो छोड़नी पड़ेगी मैम, अगर खट्टी चीज आपको तो खाती हूँ। दर्द है कहीं पे, तकलीफ है, तो परहेज तो करने होंगे आपको, तो परहेज क्यों नहीं करती आप? परहेज नहीं करती हूँ, यही एक कमी है, मैं परहेज नहीं करती हूँ। परहेज नहीं करती आप, तो यही हम हर एक दर्शक को बताना चाहते हैं कि आप लोग खुद का इलाज खुद कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। लेकिन उसके लिए आपको सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का एक हिस्सा बनना होगा। आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगले प्रोग्राम में एक बार फिर से हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब।